नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 166। कोरोना के इस भयावह दौर में तो छोड़िए हिंदू और मुस्लिम, कोरोना लॉकडाउन, कुपोषण, गरीबी और रोजी रोटी का संकट। राष्ट्रपति पद की रेस से बर्नी सैंडर्स ने खुद को किया अलग। कोरोना वायरस के कारण देश में मरने वालों की संख्या 166 पहुंच गई है और संक्रमित लोगों की संख्या इस खबर के रिकॉर्ड किए जाने तक 5734 हो गई। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के कारण 48 वर्षीय मरीज की मौत होने के बाद राज्य में वायरस से संक्रमित होकर जान गंवाने वालों की संख्या गुरुवार को 17 हो गई। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 162 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1297 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कर्नाटक के गडक जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित 80 वर्षीय एक महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर की पुष्टि हुई थी। झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या एक दिन में ही तिगनी हो गई है, जबकि बोकारो में कोरोना वायरस संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बृहस्पतिवार को 413 हो गई थी। देश के समक्ष कोविड 19 का खतरा लगातार बढ़ रहा है, पर अचरज की बात यह है कि ऐसे भयावह दौर में भी सियासत और मीडिया के बड़े हिस्से की तरफ से हिंदी भाषी क्षेत्रों में समाज के अंदर विभाजन और नफरती माहौल बनाने की हरकतें जारी हैं, ऐसा मानना है वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का। देश के अधिकतर राज्य ऐसे मिजाज को खारिज करते हुए अपने लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में कुछ खास पहलुओं को उठा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, आइए सुनते हैं उन्हें। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोविड-19 से अपने को उबारने की कोशिश कर रही है, महामारी जब आती है तो लोग कहते हैं, और ये मैं भी कई बार कह चुका हूं, कि केवल लोग नहीं मरते, इंसानियत भी मरती है। लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए भी एक बड़ा तबका खड़ा होता है, वो ज्यादा संवेदनशील, उदार, बहुत ज्यादा उसमें करुणा होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ करुणा के बजाय क्रूरता बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, विभाजन बढ़ रहा है। हमने देश के जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, सबसे बड़ा जो एक अल्पसंख्यक समाज है, उसके प्रति नफरत की लगता है कि परतें चारों तरफ बिछा दी है। तबलीगी जमात का जो मसला आया, उसके बाद से तबलीगी जमात को हम सब लोगों ने कहा कि उनकी गलतियां हैं, उन्होंने ब्लंडर्स किए, उन्हें नहीं करना चाहिए था इस दौर में इतना बड़ा सम्मेलन, और उतने ज्यादा लोगों को रखना भी नहीं चाहिए था। अगर वो तुरंत हटा देते वहां से तो शायद चीजें इतनी खराब ना हुई होती। लेकिन कोरोना जिहादी कहना सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी को, या यहां तक कि मैं कहता हूं कि जो तबलीगी जमात के भी लोग वहां आए थे, सबको जिहादी कहना, कोरोना जिहादी कहना, मैं समझता हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसका असर देश के कोने कोने पर, खासकर हिंदी हार्टलैंड में तो दिखाई देने ही लगा है, लोगों के दिमागों में बसा दिया गया है। और दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तबलीगी जमात का मामला 30 मार्च के आसपास सामने आया, खासकर उसको संक्रमण का मामला। लेकिन भारत में कोरोना का जो पहला संक्रमित होने का केस आया था, वो केरल में एक लड़की को लेकर आया था जो वुहान से आई थी, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो रहा, अपने घर में है। और इसके बाद जो दूसरा, जो कई तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर हम 20-25 पहले केसेस को देखें, इनका तबलीगी जमात से कोई मतलब नहीं, सारी केसेस अलग है। अगर मैं आपको बताऊं कि 35 की शुरुआती मौतें अगर देखा जाए, उनमें 24 ऐसी हैं जिन्होंने विदेश यात्रा कभी की ही नहीं थी, इनमें 18 मामले महाराष्ट्र, कश्मीर, केरल, तमिलनाडु के हैं। तो ये कहना, अब तीसरी जो डेथ हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी, 64 साल के एक व्यक्ति की जो विदेश से आया था। पांचवी जो डेथ हुई थी वो पंजाब के एक बुजुर्ग की हुई थी, और ये जो सरदार साहब थे वो जर्मनी, इटली से होकर यहाँ आए थे। तो इसलिए तबलीगी जमात के मामले से आने से पहले 30 जनवरी से ये मामला चला आ रहा था, सरकार ने पहल बाद में की और फिर तबलीगी जमात अचानक आ गई। तो इसको भी देखा जाना चाहिए, जो लोग बार बार ये प्रचारित कर रहे हैं कि अपने देश में जो कोरोना है, जो कोविड-19 है, वो तबलीगी जमात के जरिए है और वही एकमात्र कारण है। बिहार की राजधानी पटना के बिल्कुल बगल में एक कुर्जी जगह है, कुर्जी में तबलीगी जमात की घटना से पहले की बात है,
वहां पर एक मस्जिद में कुछ मंगोलियन चेहरे वाले कुछ लोगों को देखा गया और ये कहा गया कि ये विदेशी आ गए हैं, इनको कोरोना जिहादी कहा गया और मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए काफी प्रचारित किया गया। पता ये चला कि ये कोरोना जिहादी जिनको कहा गया था, उनकी जब एम्स पटना में जांच हुई वो निगेटिव पाए गए। वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो किर्गिस्तान से आए थे। पहले कहा गया कि ये चीनी है, फिर कहा गया ईरानी है, लेकिन वो किर्गिस्तान के थे, वो भी इस्लामी समाज के थे, इस्लामी धर्म गुरु थे या प्रचारक थे, और वहां पर वो मस्जिद में प्रचार करने गए थे, लेकिन वो लॉकडाउन के दौरान फंस गए। बिहार सरकार ने, बिहार प्रशासन को सैल्यूट किया जाना चाहिए कि उन्होंने ईमानदारी से जांच पड़ताल कराई और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन तबलीगी जमात के मामले में सरकार अपनी कोताही, अपनी लापरवाही तो छुपाती रही कि वीजा उसमें दिया ट्रेवल के लिए बाहर से आने वालों को जो कोरोना संक्रमण लेकर यहां आए। यहां तक कि बीजेपी के एक बड़े सांसद हैं सुब्रमण्य स्वामी, उन्होंने भी यह सवाल उठाया है। तो हमारा यह कहना है कि सरकार अपनी गलती से बचने के लिए अगर इतनी सारी उसने भी तंडा खड़ा किया है, तो अब कम से कम कोशिश की जानी चाहिए कि समाज को एकजुट कर, देश को एकजुट कर कोविड-19 से लड़ने के लिए इस तरह का विभाजन, इस तरह का नफरत का जो कारोबार हमारे तमाम मीडिया के कुछ माध्यमों के जरिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक माध्यमों के जरिए, कुछ एक चैनलों के जरिए जिस तरह का प्रचारित किया जा रहा है, उसको तत्काल तो थमे। सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो जहरीला प्रचार हो रहा है वो थमे और कोविड-19 से भारत की एकजुटता को पहले स्थापित किया जाए। और यही हमारे लिए आज की तारीख में बहुत जरूरी है। बेहतर मेडिकल केयर पर बात की जाए, बेहतर कोऑर्डिनेशन पर बात की जाए, इस तरह की चीजों से ही हम, मैं समझता हूं कि अपने देश को बचा सकते हैं। कोरोना वायरस का असर अब अर्थव्यवस्था और नौकरियों पर नजर आने लगा है। देश में अप्रैल के पहले हफ्ते में बेरोजगारी दर 23.4% तक पहुंच गई, जबकि मार्च के मध्य में बेरोजगारी की दर सिर्फ 8.4% थी। सबसे ज्यादा चोट शहरों में लगी है। शहरों में बेरोजगारी की दर 30.9% पहुंच गई है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूर वर्ग पर दिख रहा है। आइए देखते हैं मुकुल सरल की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा काम बंद है, हमारे गाड़ी बाल बंद कर दे, ना गांव जा पा रहे, ना हम काम करने जा पा रहे, तो खाएंगे क्या? हम खाने को दे भी, हमारे लाल सरकारी दे भी, हमारे बच्चे खाएंगे, हम खाए। 12 बजे से बैठे यहाँ, तो कोई नहीं जो काट के जा रहा है, वो फोटो खींच के जा रहा है, जैसे भीख मांग रहे हो। दोस्तों, हम ग्रेटर नोएडा में रामलीला मैदान के पास खड़े हैं। ये सेक्टर पाईवन एचआर रामलीला मैदान। यहाँ बहुत सारे हमारे कामगार साथी हैं जो बेलदारी का काम करते हैं, और जब से लॉकडाउन है इनके लिए खाने पीने की समस्या हो गई है। इन्हीं के मुंह से सुनिए इनकी क्या दिक्कतें हैं। जी बताइए क्या समस्या है? खाने पीने के लिए नहीं है कुछ, घर में क्या करें, तेल नमक तेल कुछ भी नहीं है, खाली घर पड़े हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। वही मिलता है तो एक दिन का खाना मिलता है, उसमें क्या होता है, एक बच्चे का खाना मिलता है, और उसमें क्या पेट भरेगा। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से तो आज तक आई नहीं था। यहाँ तो सब आते हैं देने को, कल पुलिस भी आई थी, हम की सब सबको बांट रहे, हम लोगों को भी बांटो, हम भी तो मजदूर आदमी हैं। कहते तुम्हारी झोपड़ी में ले रहे, सब हमने की झोपड़ी में नहीं रह रहे, हमारे बच्चे से आने, तो हमने रूम लिया किराए से, हमने 1500 का रूम लिया। आज 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए मतलब ये बंद, तो अब जब तक हमने कमा के रखे तो हमने मोल ले लिया, हमको भी दो साहब। तो कह रहे थे तुम पता नहीं कितने नंबर पे, 112 तो कितने पे उनको बुला पुलिस को, हम तो प्राइवेट है, अब क्या कह सकते पुलिस से, भाई हम इतने दूर हो गए। आज तो 15 दिन होने जा रहे हैं लॉकडाउन को, तो कैसे कर रहे हो, कैसे हो पा रहा है घर का बच्चों का? उसी पैसे का अपना जुगाड़ करके खा रहे हैं, अभी सरकार की न्यूज ना मैं कुछ मिला हो, सरकार की लाभ के हमें घर में राशन मिला है, कुछ मिला है, अब हमारा घर का जो कमाया था वो भी खत्म हो चुका है, अब तो हम यहाँ बैठ गए आके, क्या हमें कोई न्यूज ना मिले, वो भी नहीं मिल रही है। तो काम वैसे क्या करते रहे आप? बेलदारी है, ईंट मसाले का काम करते रहे हैं। वो सब बंद है? वो तो सब बंद है आज 15-20 दिन से, तो कहाँ तक चलेगा हमारा? इतनी मदद करा दो सर, इतने इंसान का पेट तो पल है, क्या खाए, अन्य तो काम चालू करवा दो, और क्या अपना साधन चालू करवा दो, अपने अपने गांव निकल जाएंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने यूएस राष्ट्रपति की रेस से खुद को अलग कर लिया है।
अब जो बिडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार होंगे। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इसी साल नवंबर में होना है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन रिपब्लिकन उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देंगे। आइए सुनते हैं प्रबीरपुर का इस तक। बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल रेस से ड्रॉप आउट कर गया है, आपको सबको मालूम है। तो क्यों हुआ है? एक तो वजह यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप है वो चाहते नहीं थे किसी हालात में बर्नी सैंडर्स उनका कैंडिडेट बने, और ओबामा से लेकर हिलरी क्लिंटन सब इसके जो बाइडेन के पीछे इकट्ठा हुए थे बर्नी सैंडर्स को रोकने के लिए। एक तो यह था। दूसरी बात है कि बर्नी सैंडर्स की जो सबसे बड़ा ताकत है वो है कि वो कम्युनिटी लेवल मोबिलाइजेशन करते हैं, उस पर आम जो यंग लोग हैं उनके साथ जुड़ते हैं, और उनके लिए टेलीविजन या प्राइवेट कैंपेनिंग की जगह पे उसकी पब्लिक कैंपेनिंग की बहुत अहमियत रहती है। और आज की कोविड की 19 के हालात को देखते हुए पब्लिक कैंपेन कम्युनिटी लेवल मोबिलाइजेशन ये संभव नहीं है, और इसीलिए जो इनकी बर्नी सैंडर्स के लिए इस वक्त मुश्किल है, और इसीलिए उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब इस कैंपेन को जारी नहीं रखेंगे। वामपंथी ताकतों के लिए अमेरिका में बर्नी सैंडर्स एक अपॉर्चुनिटी था, एक मौका था जिसपे वो अपनी बातें कह पा रहे थे, क्योंकि बर्नी सोशलिज्म को पुनर्स्थापित किया अमेरिका में, उसका छवि अच्छा किया, उज्ज्वल किया, और उसको देखते हुए वामपंथ को एक ताकत मिल रहा था अमेरिका में अपनी बातें कहना। और अभी सोशलिज्म की जो अगर परसेंटेज गिना जाए तो लोग जो कह रहे हैं सोशलिज्म अच्छी चीज है इस पर 50% से ज्यादा हुआ है, और वो 60% के लगभग हो रहा है। तो इसको देखते हुए वामपंथ को वहां तय करना पड़ेगा वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि कोविड 19 ये साफ कर दिया है कि हेल्थ सिस्टम जो पूरी पूंजीवादी तरीके से अमेरिका में चल रहा है वो इस तरह चल नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इससे उसको कोई बल नहीं मिलता, और कोई पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो इस वक्त एपिडेमिक होने के नाते कोविड 19 एपिडेमिक से आया है, इस तरह के कोई चुनौती प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम कर नहीं सकता। बल्कि इस वक्त प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की कुछ हद तक डॉक्टर्स नर्सेस इनकी छुट्टी हो रही है, क्योंकि जो उनको पैसा देते हैं, जो प्रोसीजर से उनको पैसा मिलता है, वो प्रोसीजर इस वक्त सब बंद है। इस वक्त कोविड 19 पे ही पूरा जोर लगा हुआ है। तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का सामना नहीं कर सकता है, वो साफ हो गया है। और ये जो चीज सामने आई है इससे हम जो वामपंथी ताकत है अमेरिका उसको कैसे सामना करेंगे, कैसे इन चीजों के आगे बढ़ाएंगे, और पूंजीवाद के खिलाफ कैसे आवाज उठाएंगे, ये चुनौती है। बर्नी हट जाने से ये चुनौती जरूर दूसरी तरह जा सकता है, पर बर्नी के लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है इन सब ताकतों को वो सेंटर पॉइंट बन के ये जो राजनीतिक ढांचा है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी उसके बाहर भी उसका मोबिलाइजेशन वो कर सकते हैं। और हमें देखना पड़ेगा वामपंथ जो यंग लोग अभी हैं और बर्नी सैंडर्स इन चीजों को कैसे आगे ले जा सकते हैं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।